सैफ अली खान हुए हॉस्पिटलाइज्ड। सैफ अली खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर। सैफ अली खान मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हुए एडमिट। रिपोर्ट्स की माने तो सैफ के कंधे और घुटने में चोट लगी है और उनका कंधा भी फ्रैक्चर हो गया है और घुटने की सर्जरी की जा रही है। सैफ की बेटर हाफ करीना कपूर उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म देवरा की शूटिंग के वक्त सैफ को ये चोट लगी है। आपको बता दें कि सैफ इन दिनों साउथ फिल्म देवरा की शूटिंग में बिजी हैं। देवरा में जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर भी हैं शामिल और सैफ इस फिल्म में भाईरा का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शूटिंग के वक्त ही सैफ हुए हैं इंजर्ड। वेल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सैफ अली खान किसी फिल्म सेट पर हुए हैं घायल। इससे पहले भी विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान सैफ के अंगूठे में लगी थी चोट। इनफैक्ट 90 के दशक में फिल्म क्या कहना के सेट पर एक बाइक स्टंट के दौरान भी सैफ घायल हुए थे और उन्हें 100 टांके लगे थे। वेल, हम तो यही चाहेंगे कि सैफ अली खान जल्दी से ठीक हो जाएं। ऑन द वर्क फ्रंट, सैफ अली खान प्रभास और कृति स्टारर फिल्म आदि पुरुष में लंका पति रावण के किरदार में दिखे थे और अब जल्द ही फिल्म देवरा में आएंगे नजर।